हैप्पी फैशन मॉल नीर चौक मंडी। मंडी में धूम मचाने के बाद अब आ रहे हैं आपके शहर सुरभि होटल पालमपुर में एग्जीबिशन कम सेल 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। सुरभि होटल पालमपुर, गाउन सूट साड़ी लहंगा कोटी पर 50% ऑफ। 200 रुपए में पैंट शर्ट एक के साथ एक फ्री, 500 रुपए में शर्ट एक के साथ एक फ्री, 200 रुपए में लेडीज सूट एक के साथ एक फ्री। तो जल्दी चले आइए सुरभि होटल पालमपुर में और सेल का भरपूर आनंद उठाएं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ खंड फतेहपुर ने मंगलवार प्रधान सुशील शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम फतेहपुर बलवान मंडोत्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में न्यू पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई गई। प्रधान सुशील शर्मा ने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है और जब तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं होती उनकी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जाती तब तक केंद्र सरकार की 5 मई 2009 की अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के दिव्यांग या दिवंगत होने की सूरत में उनके परिवार को पेंशन दी जाए। कर्मचारियों की एक मांग जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली की तो है ही है, लेकिन हमारी जो वर्तमान प्रदेश सरकार है वो बार बार संसाधनों का रोना रोती है और ये कहते हैं कि ये केंद्र का विषय है, लेकिन हम ये कहते हैं, कर्मचारी ये कहते हैं कि अगर ये पुरानी पेंशन को बहाल करना केंद्र का विषय है तो कम से कम जो केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में एक अधिसूचना जारी की गई थी कि किसी भी सेवारत कर्मचारी के दिवंगत होने पर या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को सारे पुरानी पेंशन के लाभ प्रदान किए जाते हैं, तो हम ये गुजारिश करते हैं हमारी वर्तमान प्रदेश सरकार से कि कम से कम जब तक केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेती तो आप केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना को हमारे प्रदेश में भी लागू करें। और जहां तक संसाधनों का जो हर बार हवाला देते हैं प्रदेश सरकार या कोई और सरकार, तो हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार वो अपने लिए 3 या 4 पेंशन इन्हीं संसाधनों से व्यवस्थित कर पा रहे हैं, उन्हीं संसाधनों से कर्मचारियों के लिए कम से कम एक सुरक्षात्मक पेंशन योजना जो है वो लागू करने की कृपा करें। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि एक देश है इसमें दो विधान क्यों हैं? सांसद और विधायक जो हैं वो एक दिन शब्द लेने पर पेंशन के हकदार हो जाते हैं, तो वो इस देश के लिए इतना बड़ा कौन सा काम कर देते हैं जो पेंशन के हकदार हैं, और कर्मचारी जो हैं वो 58 साल या 60 साल रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन से वंचित है। ये हमें सरकार इसका जवाब दे, तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है अभी तक, उसके बाद हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिक्वेस्ट ही है कि आप हमारी पुरानी पेंशन जो है कर्मचारी को बहाल कर दें ताकि कर्मचारी जो अच्छी ढंग से बुढ़ापे में जी सके। धन्यवाद।